नमस्कार दोस्तों, आज एक 23x55 का एक नॉर्थ फेसिंग प्लान देखेंगे। घर का लेंथ है 55 फीट और वाइड है 23 फीट। ये एक नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान है, यानी उत्तरमुखी घर का नक्शा। देखिए, ये है नॉर्थ डायरेक्शन और ये है आपका साउथ डायरेक्शन और ये है ईस्ट डायरेक्शन और ये है वेस्ट डायरेक्शन। और घर का फेस इधर है, ये है घर का फ्रंट और ये घर के सामने है आपका पार्किंग। ये पार्किंग का साइज है 9 feet 6 inches by 15 feet 5 inches, यानी ये जो वाइड है ये है 9 feet 6 inches और ये जो लंबाई है ये है 15 feet 5 inches। और ये सामने ये है रैंप और ये है आपका ग्रिल गेट, यहाँ पर आपका गेट लगेगा। और ये दाहिने तरफ है लॉन, 6 feet 5 inches वाइड का एक लॉन है। और ये है स्टेयरकेस ऊपर जाने के लिए, ये स्टेयरकेस का वाइड है 7 feet और इसका लेंथ है ये देखिए 11 feet 5 inches। ये है 11 feet 5 inches और ये है 7 feet। स्टेयरकेस का ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड सब 10 inches का है और ये जो राइज है, राइज सब 6 inches का है। और ये है घर का मेन एंट्रेंस, ये है एंट्रेंस डोर और यहाँ पर है ड्राइंग और ये ड्राइंग का साइज है 9 feet 6 inches by 8 feet 1 inch। ये जो लेंथ वर्टिकल लेंथ है ये है 9 feet 6 inches और ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये है 8 feet 1 inch। और यहाँ पर एक खिड़की है। और यहाँ पर है बेडरूम नंबर 2, दूसरा बेडरूम यहाँ पर है 11 feet 5 inches by 12 feet। ये जो लेंथ है वर्टिकल लेंथ ये है 11 feet 5 inches और ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ ये है 12 feet। और इसका वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक खिड़की है और यहाँ पर भी एक खिड़की है W1। और यहाँ पर है पूजा घर छोटा सा, देखिए 5 feet 6 inches by 3 feet 3 inches। ये लंबाई जो है ये है 5 feet 5 inches और इसका चौड़ाई है 3 feet 3 inches। यहाँ पर है आर्च, यहाँ से अंदर जाएंगे तो यहाँ पर है डाइनिंग हॉल और ये डाइनिंग हॉल का साइज है 9 feet 6 inches by 12 feet। इसका चौड़ाई है 9 feet 6 inches और इसका लंबाई है 12 feet। यहाँ पर है कॉमन टॉयलेट और ये कॉमन टॉयलेट का साइज देखिए 8 feet by 4 feet 6 inches। इसका लंबाई है 8 feet और इसका चौड़ाई है 4 feet 6 inches। और यहाँ पर है अटैच टॉयलेट, ये जो मास्टर बेडरूम यहाँ पर है, मास्टर बेडरूम का ये है अटैच टॉयलेट और ये अटैच टॉयलेट का साइज देखिए 8 feet, ये जो लंबाई 8 फीट और इसका चौड़ाई ये है 4 feet 6 inches, 8 फीट बाय 4 feet 6 inches। और ये जो टॉयलेट है, इन दोनों टॉयलेट का वेंटिलेशन के लिए पीछे तरफ वेंटिलेटर है और पीछे है ओपन टू स्काई 3 feet 5 inches का एक वाइड का एक ओपन टू स्काई है। और यहाँ पर है आपका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट के कॉर्नर पर ये है मास्टर बेडरूम और ये मास्टर बेडरूम का वाइड है 11 फीट और इसका लेंथ है यानी लंबाई है 16 फीट। और ये मास्टर बेडरूम का ये है अटैच टॉयलेट और यहाँ पर एक डोर है, ये जो ओपन टू स्काई है इधर जाने के लिए यहाँ पर एक डोर है मास्टर बेडरूम में और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक खिड़की भी है W।
और यहाँ पर है किचन साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के कॉर्नर पर यहाँ पर है किचन। और ये किचन का साइज ये देखिए 9 फीट 6 इंच बाय 7 फीट, ये इसका लंबाई है 9 फीट 6 इंच और इसका चौड़ाई है 7 फीट। ये है किचन स्लैब। और ये किचन का वेंटिलेशन के लिए ये पीछे तरफ एक खिड़की है W1 और यहाँ पर एक डोर है। ये जो पीछे एक ओपन टू स्काई है, ये ओपन टू स्काई का साइज देखिए 9 फीट 6 इंच बाई 4 फीट 3 इंच का एक ओपन टू स्काई है। यहाँ जाने के लिए यहाँ किचन में एक डोर है D1। दोस्तों ये एक 23 बाई 55 का एक नॉर्थ फेसिंग प्लान है और ये एक 2 BHK प्लान है। इसमें 2 बेडरूम है, यहाँ पर एक मास्टर बेडरूम और ये है बेडरूम 2 और एक हॉल, एक किचन है। और इसके साथ साथ इसमें 2 टॉयलेट है, एक अटैच टॉयलेट और एक कॉमन टॉयलेट, छोटा सा पूजा घर भी है, ड्राइंग रूम भी है और सामने पार्किंग भी है और ऊपर जाने के लिए स्टेयरकेस भी है। दोस्तों ये घर का नक्शा आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।